सो हेलो जी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो भाई आज का व्लॉग हमारे लिए बहुत ही स्पेशल होने लगा क्योंकि अभी हम जाने लगे ताज नगरी टू खौजा की नगरी, मीन्स नागपुर टू अजमेर ताजबाग। से कम हमारा सफ़र होगा 1000 किलोमीटर का हमारी इस बर्गमैन से हम जो पूरा करने वाले हैं। तो शायद ये आज तक के यानी नागपुर से कोई टू व्हीलर से अजमेर गया होगा। तो देखते हैं अभी हमारा आगे का सफ़र कैसा होता है, तो बने रहिए हमारे व्लॉग के व्लॉग में। तो अभी हम चलते गए आगे की ओर। तो भाई भोपाल हाईवे से चलते चलते हम पहुंच गए बैतूल की ओर, जो कि नागपुर से है 200 किलोमीटर की दूरी पर। तो अभी हम चल रहे हैं आगे, बस हम पहुंचने वाले हैं भोपाल कुछ ही देर में बोले तो कम से कम हमें 2 घंटा तो लगेगा क्योंकि यहाँ से भोपाल और 150 किलोमीटर है। तो अभी हम चल रहे हैं भोपाल की ओर आगे की, और दिखाते हैं आपको आगे का। तो भाई यहाँ से भोपाल बस 50 किलोमीटर दूर है भाई, जो कि बहुत ही करीब है। अभी हम पहुँचने वाले, अभी तक कि हमने भाई 2 बार टाइम फुल करा दिए। तो अभी हम देख रहे हैं बस आगे भोपाल आ ही गया, तो अभी हम चलते हैं और आगे। भाई हम चलते चलते पहुँचे भाई भोपाल तक के, और ये हमारी गाड़ी खड़ी है पीछे में, और ये हमारा दोस्त है भाई वंटी, और भी गाड़ी हमारी आगे की तरफ गई है। तो अभी आप लोग देख सकते हो भोपाल का भाई ये व्यू है पूरे, जो कि बहुत ही सही लग रहा है भाई। अभी हम यहाँ से और आगे जा रहे हैं, तो कंटिन्यू करते हैं हमारा ब्लॉग आगे की ओर। गाइस बहुत ही डेंजरस घाटी है भाई, बड़े बड़े गड्ढे हैं भाई, और शायद ही कोई अभी तक के बर्गमैन से नागपुर से अजमेर आया होगा, कोई फर्स्ट बंदा है फर्स्ट होगा कोई, आई थिंक कोई नहीं होगा। अब तो डायरेक्ट बर्गमैन लेके निकल गए नागपुर से अजमेर ख्वाजा जी के दरबार। ख्वाजा जी ने बुलाया था, हम आ गए। अभी हम नागपुर से कम 400 किलोमीटर तो दूरी पर आ चुके हैं। ये जो घाटी है बहुत ही अलग है, बहुत खतरनाक घाटी है। तो अभी हम यहाँ से और जा रहे हैं आगे, अभी हम जाएंगे कोटा शहर की ओर। तो अभी हम चल रहे हैं आगे की ओर। राजस्थान में एंट्री कर चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो ये है जो राजस्थानी सवारी है, जो कि बहुत हार्ड है भाई भाई। और ये यहाँ के है पुलिस वाले, तो यहाँ की जो भाई ट्रैक्टर वाली सवारी है ना बहुत हार्ड है भाई। देखो सामने एक और ट्रैक्टर है, उसके अंदर कितने सारे लोग बैठे हैं भाई। देखो आप लोग पूरा अंधेरा हो जाता है। सो भाई अभी हम फाइनली अजमेर तक के पहुंच गए, और आप लोग देख सकते हो अजमेर का मेला जो ये एरिया है पूरा, यानी घाटी वाला एरिया, जो कि बहुत सही लग रहा है। अभी व्यू बहुत सही है भाई यहाँ का, और ये कहाँ से जा रहे हैं। We'll be right back.
तय किया हमारी गाड़ी ने, 1000 किलोमीटर का सफर तय करके हम अजमेर पहुँचे अभी। और रास्ते में कुछ दिक्कतें गई हमें, वो आपको हमारे ब्लॉग पे बताएंगे, तभी हम चलते आगे दरबार की तरफ आपको बताते हैं। तब तक के लिए हमारे ब्लॉग पे बने रहे। अब यहाँ से अंदर आएंगे शॉर्टकट मार के, डायरेक्ट यहाँ से शॉर्टकट मार के जाएंगे तो डायरेक्ट उधर निकल जाएंगे दरबार के पास। यही रास्ता था क्या? नो, आई थिंक आगे वाला रास्ता था, पर यहाँ से ही राइट मार के हम लोग निकल जाएंगे। रास्ते तो भाई पूरे पता इधर के हमको। नागपुर गेस्ट हाउस की तरफ में, ये पीछे का रास्ता है भाई, ये बहुत ही कम लोगों को पता है। और ये जो रास्ता यहाँ से अभी हम जा रहे हैं, अभी ये नया बना है। नागपुर गेस्ट हाउस के पास। सो भाई फाइनली हम नागपुर गेस्ट हाउस पहुंच चुके हैं। अभी हम यहां से जाएंगे ऊपर, तो देख सकते हो नागपुर गेस्ट हाउस। और ये भाई हमने खड़े कर दिए यहां पर, हमारी गाड़ी पार्क करी है। ये हमारी गाड़ी है भाई, इधर भी वर्कमैन, इधर भी वर्कमैन, बीच में हमारी गाड़ी। मोटर ले लेते, हम यहाँ से जाएंगे अंदर। सो भाई अभी हम है नागपुर गेस्ट हाउस में, अभी पहुँचे यहाँ पे। अभी हम आप यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे, फ्रेश होंगे, फिर अभी हम यहाँ से जाएंगे दरबार। तब तक के लिए बने रहिए हमारे ब्लॉग। अभी हम निकले भाई मार्केट में, अभी हम जा रहे हैं दरबार यहाँ से। तो भाई अभी हम फाइनली पहुंच चुके हैं अजमेर दरगाह। आप लोग देख सकते हो हम अजमेर दरगाह पे खड़े हैं, और ये गेट के पास अभी यहाँ से अंदर जाने वाले हैं, रखा ब्लॉग शूट करने वाले हैं। So guys, finally हम लोग पहुंच चुके हैं। हेलो भाई, चांदला से आते हो ये? हां सर, मुंबई। हां नंबर ले लो ना, प्लानिंग मिलेगा। So guys, आप लोग देख सकते हो दरबार के अंदर का माहौल। अभी जो लाइटिंग है भाई, यहाँ की लाइट जो अभी बंद है, जो पूरा दिख रही है आपको पट्टे, पूरी डेकोरेशन की गई लाइट से, अभी ऑन होने की है।
यहाँ पर डेक है, बहुत बड़ी डेक है, यहाँ पर पूरा डेक भर के खाना बनता है, लंगर सबको बटता है यहाँ पे। ये दरबार के अंदर जाने के लिए रास्ता, और ये है दरबार की मस्जिद, और यहाँ से अभी हम जाएंगे दरबार के अंदर। सो गाइस अभी हम लोग गरीब नवाज में, और यहाँ पर लाइट जा चुकी है, आप लोग देख सकते हो पूरी लाइन का एक भाई पूरा, यानी यहाँ पर अंधेरा हो चुका है पूरा भाई, अभी चारों तरफ में अंधेरा हो चुका है। आइए डेग, यहाँ पर पूरा चंदा जम होता है, तो देख सकते हो ये बहुत ही ऊपर है, फिट यहाँ पे रखी हुई है। सो भाई साहब इतने ऊंचाई पे रखी है डेग, और ये कि बहुत बड़ी है, इसमें खाना भी बनता है और इसमें चंदा भी जमा करता है। भाई फाइनली हम गरीब नवाज तक पहुंच चुके हैं, आप लोग देख सकते हो पीछे गांव की मज़ार पाक के दरगाह, अभी हम यहां से निकल रहे हैं और आगे का आपको बताते हैं। ट्रेन से और हम जाने वाले कार से, तो अभी हम जाएंगे स्टेशन की तरफ। भाई यार अभी हमने गाड़ी जो है ट्रेन से हम भिजा रहे हैं इसको, हमने इसको भी पार्सल करा दिए, अभी आप लोग देख सकते हो भाई ये पूरी पैकिंग हो चुकी है, अभी इसको पन्नी लग रही है पूरी, पार्सल हो रही है हमारी गाड़ी, ये जाने वाली ट्रेन से और हम जाएंगे अभी कार में जाने वाले। हमारे फ्रेंड ने कार लेके आया, वो यानी उसने पहले ही बोल के रखा था कि कार में चलना करके भाई, पर हम बाइक से आए तो अभी हम कार से निकलने वाले हैं। ये हो रही है हमारी गाड़ी पैकिंग, जिससे पैकिंग का काम चालू है, अभी इसको हम कुरियर कर रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट नागपुर ट्रेन में, अभी हम खड़े हैं यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, तभी यहाँ से हम जाने वाले आगे की तरफ। सो गाइस हमारी गाड़ी अभी फाइनली पार्सल हो चुकी है, अभी हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो भैया बैठ गए हम आइटो में अजमेर के, और अभी यहाँ से जा रहे हैं हम दरगाह की तरफ नागपुर गेस्ट हाउस में, जहाँ पर हमारा सामान रखा है वहाँ से हमारा सामान लेंगे, फिर हम जाएंगे कार से नागपुर रिटर्न। भाई तो अभी आप लोग देख सकते हो भाई अजमेर का विमान आइटो है, तो भैया गाड़ी चला दे
गाड़ी आ गई ट्रेन में, नागपुर पहुंच चुकी है, अभी उतर रही है, खड़ी उधर बाजू में, अभी उसको उतारेंगे। और भी गाड़ी आई ट्रेन के अंदर, तो फाइनली आ गया हमारी गाड़ी का नंबर भाई। अब उतरने वाली है हमारी गाड़ी भाई। ये भाई आराम से उतारो रे। ये हमारी गाड़ी, ये आ गई हमारी गाड़ी। फाइनली हमारी गाड़ी भाई नागपुर स्टेशन पे तो आई गई। कल ही आई थी वैसे, हमको कल मिली नहीं क्योंकि 5:30 बजे पार्सल ऑफिस जो बंद हो जाता है। और अभी हम आए हैं गाड़ी लेने के लिए हमारी वर्कमैन जो कि अजमेर से आई है। पर यार यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो गई है, जो ट्रेन है ना आगे में खड़ी हो, बीच में ही खड़ी हो गई। अभी हम उसको दिखाते हैं। साइड खड़ी है और जो आने का रास्ता यहाँ पर ट्रेन खड़ी हो गई। ट्रेन वाले अंकल को बोला मैंने थोड़ी पीछे लेंगे क्या, वो बोले हमारे मर्जी से नहीं होती। बोले हमारे गाड़ी के रास्ते में खड़ी हो गई ट्रेन, तो ये जब ट्रेन वाले अंकल लेंगे आगे तो हम निकालेंगे अपनी गाड़ी। ये है आराम से जाने का रास्ता, तो अभी हम जाते हैं उधर से अपनी गाड़ी लाते हैं, फिर देखते आगे का। यार वहाँ पर खड़ी है हमारी गाड़ी, आप लोग देख सकते हो हमने उसको लेके आया। और यहाँ पर जो है यार ये मामा जो है ट्रेन पीछे लेंगे नहीं बोलते यार। तो अभी हम सोच रहे हैं कुछ इधर से ऐसे लाने का, वो पटरी पे ऐसे घुमा के उधर से ऐसे उधर निकालने का। तो अभी हम देखते हैं ट्राई करके भाई, वो दिखाते हैं भाई। अभी हमने हमारी गाड़ी निकाल ली, आप लोग देख सकते हो उसकी पैकिंग भाई पूरी खुल चुकी है, फिर से आ गई। अभी हम आ गए स्टेशन के बाद, अभी हम यहाँ से जा रहे हैं घर के। और आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते भाई।